अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जोली अज़ीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा जोली अज़ीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस, उतरे खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रन फैक्ट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक फ्रूट को सिलेक्ट किया है और दोस्तों आज मैं आप लोगों को बॉयजन बेरी के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों, बॉयजन बेरी जो है रसबेरी की एक किस्म है और दोस्तों इसे सबसे पहले अमेरिका के अंदर यूरोपियन रेड रसबेरी, ब्लैकबेरी, ड्यूबेरी और लोगनबेरी के क्रॉस के साथ बनाया गया था। और दोस्तों, दिखने के अंदर ब्लैक रेड डार्क कलर लिए हुए होती है और दोस्तों जायके के अंदर बहुत मज़े की होती है, कदरे स्वीट होती है, इसके अंदर खटास भी होती है। और दोस्तों, पॉइजन बेरी से जैम बनाया जाता है, जेलीज बनाए जाते हैं, सॉसेस बनाए जाते हैं और दोस्तों बेक फूड आइटम्स बनाए जाते हैं, डेजर्ट्स बनाए जाते हैं, सिरप्स बनाए जाते हैं, जूसेस बनाए जाते हैं। दोस्तों, इसे पाइस बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसे क्रम्बलर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसे क्रिस्प के साथ खाया जाता है और दोस्तों इसके अलावा केक्स, मफिन्स वगैरह के अंदर भी इसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉइजन बेरी जो है नॉर्थ अमेरिका के साउथर्न पार्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा उगती है। दोस्तों, अगर हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से बात की जाए तो पॉइजन बेरी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और दोस्तों बेहतरीन किस्म के इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं कुल मिला के। और दोस्तों, अगर सेहत के हवाले से बात की जाए तो पॉइजन बेरी खाने से आंखों की सेहत में इजाफा होता है और दोस्तों जिस्म में से सोजिश को ये खत्म करती है। दोस्तों, बहुत सारे कैंसर्स का इलाज इसके अंदर है, कोई जिस्म के अंदर गिल्टी भर रही है, कोई ट्यूमर भर रहा है तो उसे ये खत्म करती है। और दोस्तों, फुल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट है और दोस्तों स्किन के लिए भी बेहतरीन है, बेहतरीन एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखती है। ऐसे अफराद जो रेगुलर पॉइजन बेरी को खाते हैं तो चंद दिन के इस्तेमाल के बाद उनके दिल को पर खास किस्म की चमक आ जाती है, दिल को खींच कर रखती है, दिल को खूबसूरत बनाती है। और दोस्तों, इसके अलावा सांस के मरीजों के लिए भी बेहतरीन है, स्पेशल फेफड़ों को सेहतमंद बनाती है, फेफड़ों को ताकतवर बनाती है। और दोस्तों, पॉइजन बेरी आपको पाकिस्तान इंडिया के अंदर बड़ी फ्रूट मंडियों में आसानी के साथ मिल जाएगी। और दोस्तों, इसके अलावा आप इसे पाकिस्तान इंडिया के बड़े शॉपिंग मॉल के ग्रोसरी सेक्शन में से भी खरीद सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा ये टिन पैक पैकेजिंग फूड के अंदर भी आती है, आप पॉइजन बेरी से बना हुआ जैम खरीद सकते हैं, जेली खरीद सकते हैं। चले दोस्तों, ये तो सिर्फ पॉइजन बेरी फ्रूट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स, न्यूट्रन फैक्ट्स और बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे से। और दोस्तों, अगर मुनासिब मकदार में पॉइजन बेरी को इस्तेमाल किया जाए तो दोस्तों इसका जो रेगुलर यूज़ है सेफ है। इसे ज़्यादा इस्तेमाल करने से पेट खराब होता है, पेट के अंदर मरोड़ होते हैं, दोस्तों आपको लूज मोशन लग सकते हैं, जिसकी वजह सबसे बड़ा इसके अंदर फाइबर हाई मकदार के अंदर मौजूद होना है। और दोस्तों, इसके अलावा ऐसे अफराद के लिए भी पॉइजन बेरी अच्छी नहीं है जो एलर्जी के मरीज हैं। कई अफराद को पॉइजन बेरी से एलर्जी होती है, उन्हें स्नीजिंग स्टार्ट हो सकती है। दोस्तों, ऐसे एलर्जी के फ्राद भी पॉइजन बेरी को खाने से परहेज करें। चले दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पॉइजन बेरी फ्रूट के हवाले से जो मैंने आपको वीडियो बना के दी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों, अगर मजीद आपका कोई सवाल है पॉइजन बेरी फ्रूट के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, इसके अलावा किसी और वेजिटेबल्स, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजी का मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, या दोस्तों किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, वो चाहे इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमती वीडियोज़ ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी दे सकते हैं। चले दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जोली अज़ीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।